हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रोटेक्ट एंड गैम्बल स्टॉक के बारे में, और इसका टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वैष्णो देवी माता के दर्शन के लिए गया हुआ था, इस वजह से वीडियो उपलब्ध नहीं करा पाया हूँ। आज फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पीएनजी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टॉक का ट्रेंड देखें। हालांकि मुझे लगता है स्टॉक में सारे पॉजिटिव सिग्नल मिलने वाले हैं। मंथली चार्ट पर ट्रेंड अप ट्रेंड लगातार ऊपर जा रहा है, ठीक है। वीकली चार्ट पर स्टॉक को देखेंगे तो आपको यहाँ भी सिग्नल पॉजिटिव नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम सपोर्ट देखें तो सपोर्ट काफी नीचे है, समथिंग है 16529 के आसपास, लेकिन स्टॉक अभी ऊपर चल रहा है, अपने हाई के आसपास चल रहा है। और अगर हम अगले टारगेट रेजिस्टेंस की बात कर लेंगे तो अब 12,000 और यहाँ पे 16,000, लगभग 4,000 का मोमेंट मान सकता हूँ मैं। तो 20,000 के आसपास का लेवल, 20,960 का मैंने मार्क कर दिया। डेली चार्ट पर बात कर लेते हैं, आपको एंट्री कहाँ पे मिलेगी, लेनी चाहिए कहाँ पे, नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको जो सपोर्ट है उसको थोड़ा सा एडजस्ट करने का प्रयास करेंगे, या ये यूं कहूँ कि इस सपोर्ट को हम यूं ही रहने दें, नेक्स्ट सपोर्ट बनाने का प्रयास करते हैं। ये लेवल जो है 17,400 का, यहाँ पे आपको एक एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगी, फिर से आपको स्टॉक यहाँ पे आता हुआ नजर आएगा और वो एक मौका मिलेगा एंट्री लेने का, ठीक है। उसके बाद टारगेट आपको 20,000 जाता हुआ दिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर और अपनी रिसर्च के आधार पर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।